हमें बेपता कैसे चलेगा कहाँ। पेपर बहुत अच्छा रहा, दिव्या शर्मा आगरा से हूँ और मॉडरेट था पेपर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे और निकालने को अगर कोई भी स्टूडेंट निकालना चाहेगा तो आसानी से निकाल सकता है। पेपर काफी हार्ड था। हार्ड था पेपर मेरे नजर में तो हार्ड था। कौन सा सब्जेक्ट लिया था आपने? मेरे नजर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा टफ है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन असाइलम फोलम होता है ना, असाइलम का कौन सा अंदर का भाग होता है, कैम्बियम होता है, इनर कैम्बियम होता है, तो थोड़ा टफ था। लेवल टफ था, लेवल टफ था। 9th 10th के साइंस के लिए साइंस ठीक था, मैं थोड़ा सा लेंदी था और ढाई घंटा थोड़ा ज्यादा। सर अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ का सर आपका पेपर सीखा आपका कौन सब्जेक्ट था? मैथ साइंस। मैथ्स और साइंस कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन कैसे। क्वेश्चन का ना ज्यादा हार्ड कर सकते जो ना ज्यादा लो, मतलब एवरेज था, मॉडरेट लेवल में था साइंस का कुछ कुछ क्वेश्चन और मैथ का भी कुछ कुछ क्वेश्चन, बाकी बस सब एवरेज था। हमें बेपता कैसे चलेगा कहाँ। पेपर बहुत अच्छा रहा, दिव्या शर्मा आगरा से हूँ और मॉडरेट था पेपर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे और निकालने को अगर कोई भी स्टूडेंट निकालना चाहेगा तो आसानी से निकाल सकता है। अच्छा ये बीपीएससी परीक्षा लिया, कैसा लगा आपको बिहार में ये परीक्षा देने आई है? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक महीने में रजिस्ट्रेशन हो गया और एक महीने बाद ही पेपर कंडक्ट हो गया और एक महीने बाद ही अगर हमने बिहार की सरकार से कहेंगे तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ नौकरी करेंगी आप? अरे बिल्कुल करेंगे, यूपी योगी बाबा के प्रदेश से आ रहे हैं और यहाँ पे बिहार में आके नौकरी करना। गांव में हो यहाँ पटना से दूर हो, हमें जो भी नॉलेज है हम अपने ज्ञान प्रदान यहाँ पे करेंगे, जितना हम शिक्षित कर सकते हैं व्यक्तियों को हम उतना बच्चों को करेंगे उतना अच्छा। पेपर काफी हार्ड था। हार्ड था पेपर मेरे नजर में तो हार्ड था। कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? मेरे नजर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा टफ आई थी। मैथ में मुझे तो अर्थमेटिक सही लगा और एडवांस थोड़ा ज्यादा टफ लगा, और साइंस ठीक थी। साइंस में जैसे क्या बोलते हैं जो जूलॉजी और बॉटनी है तो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे जैसे एक क्वेश्चन आया था पानी के जैसे जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन असाइलम फोलम होता है ना, असाइलम का कौन सा अंदर का भाग होता है, कैम्बियम होता है, इनर कैम्बियम होता है, तो थोड़ा टफ था, इन डेप्थ में था। मैं तो आगरा से आया हूँ। आगरा से क्या कहेंगे ओवरऑल परीक्षा को लेकर आपकी? परीक्षा टफ थी, अच्छी थी परीक्षा। अटेम्प्ट किया है क्या सोच रहे हैं, हाई रहेगा या लो रहेगा उसके बारे में तो बीपीएससी डिसाइड करेगा, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते। परीक्षा दे क्या रहे हैं, क्या कैसा रहा पेपर? अच्छा था। क्या क्वेश्चन कैसा? इजी था क्वेश्चन, इजी था। कितना किए? हम तो पूरा ही कर दिया। पेपर तो कम्प्लीट ही किया, 150 क्वेश्चन थे, 150 अटेम्प्ट किए हैं। बायोलॉजी के लिए थे लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जाहिर सी बात है मैथ ज्यादा है, मैथ और फिजिक्स ज्यादा है तो टफ ही रहेगा बायो वालों के लिए। तो मैथ फिजिक्स वाले अच्छे स्कोर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जिसने बीएससी में अब ये नहीं बता सकते लगभग एक आपका अनुमान पता नहीं जी पता नहीं तो उसके बारे में बोलने भी चाह रहे हैं। कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा गया। कहाँ से हैं आप? मैं भरतपुर राजस्थान से। राजस्थान से क्या कैसा रहा क्वेश्चन? मैथ साइंस का था क्या? हाँ लेवल का पेपर था, थोड़ा लेंथ ही माना जाएगा, लेंथी। हाँ और कट ऑफ हाई होगा या लो रहेगा? कट ऑफ लगभग 60 के करीब रहेगा, 60-65 के मध्य में जनरल का। चलो चलिए ऑल द बेस्ट। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। कहाँ से हैं आप? हम लोग जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं जी। क्वेश्चन को लेकर क्या कहेंगे एग्जामिनेशन के लोगों को? नहीं क्वेश्चन ठीक ही हुआ था, बढ़िया रहा क्वेश्चन, अच्छा लेवल रहा। पेपर सर बहुत अच्छा रहा, सारे पेपर जो है अपने अच्छे क्वालिटी के हैं और आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा है। लेवल सर हमारा सब्जेक्ट साइंस था और पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था और न ही बहुत हार्ड था न ही बहुत टफ था। क्या सर आप? पेपर मॉडरेट था। किस सब्जेक्ट के लिए था आपका? मेरा मैथ साइंस। मैथ साइंस कितना किए? टोटल किया है, वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसा गया पेपर आपका? पेपर टफ था। टफ था? कैसा गया? टफ था भैया। कैसा गया? अच्छा। कैसा गया? कैसा गया? अच्छा गया। कैसा गया? बहुत सही। बहुत कैसा गया? बहुत अच्छा गया। कैसा गया मैडम पेपर? जी अच्छा गया। कैसा गया पेपर? ठीक था भाई। क्वेश्चन कैसा पूछा गया? अच्छा अच्छा था। कैसा गया मैडम पेपर? बढ़िया। कैसा गया पेपर? बढ़िया था। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था सर। कैसा गया? ठीक ठाक। कैसा गया मैडम? कैसा रहा पेपर? सही था पेपर। सब्जेक्ट लिए दिए थे आप? हम मैथ साइंस के लिए दिए थे। कैसा क्वेश्चन था? सही था, मीडियम क्लास का। कितना सॉल्व किए? सॉल्व तो पूरा किए, माइनस मार्किंग नहीं थी।
कैसा रहा? हाँ सर, मीडियम था पेपर, लेकिन मैथ के क्वेश्चन ने बजाया है, बाकी सब्जेक्ट के लिए एकदम ठीक। सब्जेक्ट के लिए थे आप? मैथ साइंस। मैथ के लिए थे। आपका रहा पेपर? अच्छा रहा, मॉडरेट रहा, और साइंस और मैथ रहा। लगभग जो है क्वेश्चन जो है मैथ, मैथ के कुछ जो है बजाऊ वाले क्वेश्चन थे, बाकी तो ठीक ही था। साइंस कटाप जो है मान चलिए जो है हाई ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। किस सब्जेक्ट के लिए थे आप? मैथ साइंस का। मैथ साइंस जी। क्वेश्चन कैसा था? इजीली था क्वेश्चन, इजी था। कितना परसेंट कट ऑफ जाना चाहिए आपकी तरफ? अभी ये नहीं बता सकते, अभी कैसे बता सकते हैं कि कितना परसेंट कट ऑफ जाएगा। कैसा रहा पेपर? किस सब्जेक्ट के लिए? साइंस के लिए। साइंस के लिए जी। कितना क्वेश्चन किए? क्वेश्चन कहाँ से पूछा? क्वेश्चन 150 था, मैथ्स का क्वेश्चन ठीक था, बायो के क्वेश्चन थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एवरेज क्वेश्चन थे, मतलब मॉडरेट लेवल था। कहाँ से पूछा गया था ज्यादातर क्वेश्चन? ज्यादातर क्वेश्चन 10th लेवल के ही थे। 10th लेवल के जी। आपका आपका कैसा रहा पेपर? ठीक था, मॉडरेट लेवल का था पेपर। मैथ और साइंस, मैथ और साइंस मैक्सिमम क्वेश्चन 10th से ही आए हुए। अच्छा था जो भी है। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया सर एकदम। किस सब्जेक्ट लिए था? मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस जी। पूरा पूरा किए जी सर? टॉप था कि नहीं? लेवल में बढ़िया था, लेवल बढ़िया जी। और ये कहाँ से पूछा गया था जनरली? नहीं जनरली क्वेश्चन जो नहीं विज्ञान के जो थे एनसीईआरटी पे ज्यादा थे। हाँ मैथ तो सामान्य था। मैथ सामान्य जी। चलिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। किस सब्जेक्ट के लिए थे आप? मैथ। मैथ के लिए कहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन? बारंबारता आई है, बौला का आए थे उससे। अच्छा एनसीईआरटी है सबसे? हाँ सब एनसीईआरटी। कट ऑफ के लिए सोच रहे हैं कि हाई जाएगा कि लो रहेगा? कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाएगा, मतलब जो कंपटीशन करता है, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, उस लेवल में पेपर नहीं, जो 10वीं 12वीं के जो पढ़ाता है स्कूल में वो पेपर कर ले जाएंगे। जैसे अपन मैथ SSC लेवल पे नहीं आ रही है, उसको समझ नहीं पा रहा है करना क्या है इसमें, क्या कह रहा है। कहाँ से आप आए हुए? मैं आया हूँ छतरपुर से। छतरपुर MP से। MP से। चलिए और बागेश्वर धाम से। बढ़िया गया सर। आप किस सब्जेक्ट लिए थे? मैथ साइंस। मैथ साइंस कैसा क्वेश्चन था? बढ़िया क्वेश्चन आया था। कितना किए लगभग? सब कर दिए। सब कर दिए जी। UPSC एग्जाम लिया, क्या कहेंगे कैसा था व्यवस्था? बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन कहाँ से जनरली पूछा गया था? क्वेश्चन सर ज्यादातर हाई स्कूल से, और जो है मतलब टफ लेवल। कहाँ से आए हैं एग्जाम? हम यूपी से आए। यूपी से आए। चलिए ठीक ठीक। किस सब्जेक्ट के लिए था? हाँ मैथ और साइंस के लिए। मैथ और साइंस के लिए। कहाँ से आए होंगे आपने? हाँ कहाँ से? बनारस। बनारस से आए। कैसा वो पता टफ था या आसान था? हाँ ठीक था। ठीक था। कितना सही कितना किए लगभग? अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन करेंगे सर। बढ़िया रहा। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं आया हूँ दिल्ली से, रहने वाला हूँ वाराणसी का। अच्छा अच्छा। किस सब्जेक्ट के लिए था आपका? मैथमेटिक्स और साइंस का आज पेपर था। यहाँ कैसा पेपर था? यहाँ पेपर बहुत ही बढ़िया था। कितने किस्तों सारे किए? हाँ जी अटेम्प्ट सारे किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था यहाँ पे। अच्छा। और पेपर का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा था, पेपर काफी अच्छा लगा मुझे। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेवल टफ था? लेवल टफ। हाँ 9th-10th के साइंस। साइंस के लिए। हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा? 11th-12th। 11th-12th। कितना क्या लगता है कि क्वेश्चन उलझाऊ था, टफ था? आउट ऑफ सिलेबस थे ना, 6, 7, 8 का है, 6 to 8 है, 11, 12 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा तो क्या एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम साइंस अच्छी बन गई, मैथ में थोड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस सब्जेक्ट के लिए थी? मेरा मैथ साइंस का था। अच्छा कहाँ से आए हुए? मैं लखनऊ से। लखनऊ से आया हूँ मैं। कैसा रहा पेपर? वेरी गुड। अच्छा रहा? अच्छा रहा। परीक्षा लिया, व्यवस्था कैसा था, क्या कहेंगे? एकदम फिट था, जैसा लेना चाहिए, जैसा एक कैंडिडेट के लिए होना चाहिए माहौल, एकदम सही था। और कट ऑफ क्या सोच रहे हैं? कट ऑफ मेरे साइंस में एक्सपेक्टेड है कि 70 से ऊपर जानी चाहिए। 70 से ऊपर जाएगा। बढ़िया रहा एवरेज। झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? गिरिडीह पारसनाथ। कैसा रहा क्वेश्चन? कैसा पूछा गया? क्वेश्चन का ना ज्यादा हार्ड कर सकते, ना ज्यादा लो, मतलब एवरेज था, मॉडरेट लेवल में था साइंस का कुछ कुछ क्वेश्चन, और मैथ भी कुछ कुछ क्वेश्चन, बाकी बस सब एवरेज था। कट ऑफ क्या सोच रहे हैं? हाई जाएगा या कुछ रहेगा? एवरेज रहेगा। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। साइंस थोड़ा सा, साइंस सही था, मैथ थोड़ा सा वैसा था, मैथ टाइम टेकिंग था। हाँ। कितना था मैथ का क्वेश्चन? मैथ में वही था 40 क्वेश्चन। अच्छा साइंस के लिए आप लिए थे? हाँ मैथ्स एंड साइंस। कट ऑफ क्या सोच रहे हैं? कट ऑफ अभी तो ऐसे नहीं कुछ एक्सपेक्ट कर सकते, बट साइंस ठीक था, मैथ थोड़ा सा लेंदी था और ढाई घंटा थोड़ा ज्यादा था। हाई स्कूल बेसिस पे वही 10th का पूरा कार्टेशियन प्लेन वगैरह, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन थे 3-4 फार्मूला बेसिस पे। जी कहाँ से आप आए हूँ? लखनऊ। लखनऊ अवध्या से।
चलिए थैंक यू। पेपर बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से आप आए होंगे? यूपी से। यूपी में कहाँ से? झांसी। झांसी से आए जी। क्या सर आप यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं यहाँ? पेपर बहुत बढ़िया रहा लेकिन बस स्तर कठिन था। स्तर कठिन था जी। इस चीज का साइंस का मैथ का दोनों का ही मुझे कठिन लगा। अच्छा, मेरे हिसाब से क्या लगता है टीआरई वन से ज्यादा जाएगा कम जाएगा? बन के अप्रोक्स ही रहेगा। हाँ, उतना तो रहना ही चाहिए। वैकेंसी के हिसाब से कम है ना, उस हिसाब से उतना ही रहेगा जी। थैंक यू। पेपर ठीक था। कहाँ से आप आए हुए? कानपुर से। कानपुर से जी। क्या किस सब्जेक्ट का पेपर था आज? मैथ साइंस का जो हम लोग अच्छा। क्या सर यहाँ बीपीएससी को आए? ठीक रहा। क्वेश्चन कैसे थे? ओवरऑल ठीक था। मैथ्स का थोड़ा सा लेंदी था, बाकी ओवरऑल ठीक था। साइंस का मॉडरेट था। करंट अफेयर वगैरह ज्यादा पूछी गई थी जिसमें लोगों को दिक्कत हुई। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। अच्छा था सर। बस कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम? हम कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से कैसा रहा एग्जाम? बीपीएससी लिया है टीचर भर्ती का। अच्छा था। एग्जाम व्यवस्था भी ठीक थी विद्यालय का, एग्जाम का पैटर्न भी ठीक था। अच्छा, कट ऑफ क्या सोच रहे हैं? हाई रहेगा या ठीक ठाक रहेगा? मॉडरेट रहेगा ना, हाई जाएगा ना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है। कैसा कैसा गया? अच्छा गया। कहाँ से आए हुए आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से आए हैं। साइंस का था? मैथ साइंस जीके का था। कैसा रहा पेपर सर? ठीक ठाक था पेपर। क्वेश्चन का लेवल ही मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना टफ। ठीक ठाक रहा पेपर, अच्छा पेपर था। कहाँ से आए हुए? मैं अलीगढ़। अलीगढ़ से आए। हाँ, यूपी। कैसा क्वेश्चन था मैथ साइंस का? मैथ में भी अच्छे थे, लेवल अच्छा था। पेपर बीपीएससी जैसे बनाती है, मजेदार पेपर बनाएंगे। आप कहाँ से सर आए? सर अलीगढ़ से आए। अलीगढ़। क्या सर आपका पेपर चल रहा? आपका कौन सब्जेक्ट था? मैथ साइंस का सब्जेक्ट। कैसा किए अटेम्प्ट? सारे क्वेश्चन किए हैं मतलब, लेकिन पेपर मोस्टली मॉडरेट था, ना बहुत इजी था ना बहुत हार्ड था, मॉडरेट पेपर था। जो पेपर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, बीपीएससी परीक्षा बहुत बेटर है कि मतलब एक अब जो है कंबाइन करके करा रही है, बहुत बेटर है। और सर ओके मतलब बहुत बेटर है। तो बता दें आपको, ये परीक्षा देकर छात्र जो आए हैं ये खुश हैं। मैथ के पेपर को लेकर थोड़ा सा इनका कहना है कि मैथ का पेपर जो था वो टफ था, उलझाऊ था। कैसा गया मैडम? अच्छा था पेपर। कहाँ से है आप? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट का एग्जाम था आपका? मैथ्स और साइंस। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। अच्छा अच्छा, बीपीएससी परीक्षा लिया इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहा सब कुछ ओवरऑल? ओवरऑल सिस्टम अच्छा था आपकी, यहाँ स्पेशली इस कॉलेज की ये ठीक थी, मैनेजमेंट अच्छी थी, प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ। ऑल द बेस्ट आपको। तो बता दें आपको कि ये छात्र जो हैं, परीक्षा आज सबसे अहम था, 3,11,000 कैंडिडेट थे और एन कॉलेज का ये सेंटर था। बताएं कि छात्र जो हैं संतुष्ट दिख रहे हैं एग्जामिनेशन से, हालांकि मैथ के प्रश्नों को लेकर इनका कहना है कि मैथ का क्वेश्चन जो है वो जरा टफ था। तो बता दें आपको कि परीक्षा का आज अहम दिन समाप्त हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।